नवी क्लास के स्कूली छात्र और उसके दादा पर प्राणघातक हमला हुआ है। घटना शनिवार दोपहर करीब 3 बजे का है, जब छात्र अपने दादा के साथ स्कूल घर जा रहा था, तभी टॉकीज के पास आरोपी ने नुकीली चीज से हमला कर और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है घायल स्कूली छात्र का आरोपियों से पुराना विवाद चल रहा था, जिसके कारण उस पर हमला हुआ है। घायल दादा पोते ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। छात्र ने पुलिस को बताया कि हमला करने वाले उसी के स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। ये कृष्णा बमनेर जो महर से स्कूल में पढ़ते हैं, उम्र करीब इनकी 16 वर्ष है। ये पेपर देने आए थे सेंट थॉमस स्कूल। इनका कोई महर से स्कूल में कोई पुराना विवाद है लड़कों से, तो सुमित श्रीकांत और संदेश अहूजा ने नाम बताया है। तो जब ये पेपर देख के अपने पिता के साथ जा रहे थे, तो कैरा चौराहे के पास में इनको रोक करके इनके साथ मारपीट की है। उन्होंने थाने में आगे रिपोर्ट की है, रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। धर्मेंद्र जी, मैं अपना पेपर दे के आ रहा था, लॉशेस मेरा सेंटर गया था, तो वहाँ 2-3 लड़के मेरा पीछा करते हुए मतलब कैंटीन के पास मतलब चाकू से मतलब हमला कर दिया मेरे पे यहाँ पे। और श्रीकांत मुंडिया और सुमित मोहन और संजय साहूजा, इन लोगों ने मतलब घेर के मुझे मारा टॉपिक के पास। पुराना विवाद था कि मतलब उनमें मैं भी था उन विवाद में, तो उन लोग ने एक एक करके सबको मारा था।